What's your favorite scene of Tanhaiyan? जो आपको करते हुए बहुत मजा आया और जो आपको और या जो आपको देखने में जब आप कभी देखा तो देखने में बहुत मजा आया। Oh my God, so many, because मैं तो बहरोज की मैंने इतनी बेचारी की। I think the water scene was a lot of fun. When I sprayed water on him. So many, I can't. There was the pinjra scene where I उसको बंद कर दिया था। बंद कर दिया था। I think सबसे मुश्किल सीन मेरा था जब मुझे उसकी तरह एक्ट करना था जारा को हंसाने के लिए। और आई रिमेम्बर ये लोग सारे मेरे घर आए। हम लोग उन दिनों में हर एपिसोड जो था ना डिफरेंट एक्टर्स के घर हम देखते थे। हाँ, इट वॉज अ वेरी लवली फीलिंग। तो वो सारे मेरे घर आ रहे थे उस दिन। एंड आई रिमेम्बर मुझसे हो नहीं रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज अ लिटिल शाई ऑल्सो फॉर डूइंग इट। शाह साहब ने कहा कि मरीना कोई भी तुम्हारे घर नहीं आएगा, अब डू योर जॉब। आंसू निकलेंगे या मैं बेरोज की तरह एक्टिंग करूं, क्या करूं मैं? तो हो गया, बहुत बुरा किया लेकिन हो गया। दैट वाज सो क्यूट, इट वाज हॉरिबल, आई कुड हैव डन बेटर। शहनाज के साथ आपकी कैसी, शहनाज शेख के साथ आपकी कैसी वो थी? इट वाज शी वाज ऑलमोस्ट लाइक एन ओल्डर सिस्टर। वो टिप्स देती थी आपको? हां, टिप्स देती थी, टिप्स भी एंड क्या कहते हैं, अ लॉट ऑफ सपोर्ट। A lot of support. Although हमने जो पहला crying scene किया था, कहती तुम रो नहीं रोगी, तो मैंने कहा था, What do you say? मैंने कहा, You have to cry first. लेकिन उस लिहाज से I think वो chemistry जब आपकी अच्छी बनती है तो आप scenes में आपको पता चल जाता है। आपने कितनी बार देखा है तन्हाइयां? I think bits and pieces में तो काफी बार देखा है, bits and pieces में। It was a good time. I mean, we've lost so many. We've lost most of our. Yeah, that's a really sad thing, है ना? Hurt करता होगा। कोई fan moment याद है आपको जो आपके बहुत दिल के करीब हो? Yes, मुझे एक साहब लिखते थे खत। अच्छा, उन दिनों में खत होता था ना? There was no, so we used to get bories and bories of. Wow, and आप पढ़ती थी? नहीं, जो PTV आता था वो तो सारे सेंसर होके मुझे मिलते थे, because apparently सुना है सेंसर होके मिलते थे। Which is a good thing. Yeah, yeah, yeah. So, लेकिन घर पे I don't know how that kid got my address. His name, he used to name him, sign करता था, Cyrus Khan था या Cyrus Chingezi, ऐसा कुछ नाम, लाहौर से लिखता था। क्या मजे के खत लिखता था वो लड़का। अल्लाह, हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो जाता था। एंड ही वॉज दी ओनली फैन जिसको मैंने दोबारा वापस एक ही दफा लिखा। और मैंने उसे कहा, मैंने कहा भैया तो नहीं कहा, मैंने कहा देखो मैं लिख रही हूँ, बट डोंट एक्सपेक्ट, बट आई जस्ट हैव टू टेल यू कि कितना हम, मैं पूरी फैमिली के सामने हम बैठ के उसके खत पढ़ते थे। लिखते थे खत में वो उन्होंने इमेजिनरी अपनी दुनिया बनाई हुई थी, जहाँ मैं, आई वॉज अ डैमसल इन डिस्ट्रेस, और वो मुझे सेव करने आ रहे हैं। यू कांट इमेजिन, एंड आई डोंट नो वेयर दोज वर्ड्स, बिकॉज मैंने इतने केयरफुली उनको स्टोर करके रखे हुए थे। बहुत मजे की लिखता था। मैंने, आई यूज्ड टू वेट फॉर दोज लेटर्स, देन आई थिंक ही वेंट अब्रॉड, एंड अब तो पता नहीं कितने बच्चे होंगे उसके, बट इट वॉज द, मैं हाईलाइट होती थी हमारी, कि हम बैठ के ना और हंस हंस के हम लोग पागल हो जाते थे। आई होप इज राइट एक्चुअली। आपके पेरेंट्स, अम्मी और अब्बू, उनका फेवरेट कौन सा था, जोया या सनिया? व्हिच वन दे लाइक? आई थिंक सनिया। Sanya? I think so. Because that was closer to who you were at that time? Maybe that also, and I think wo association bahut thi us drama se. You know, there was a close, Shahzad sahab was very close to us. So Shahzad sahab, after this play, aapke parents se close ho gaya, aapki family se. Ji, family. So I've seen in your interviews, aap immense respect aap deti hain Shahzad sahab ko, which of course we all do. And but he has a special, आपकी जिंदगी में उनकी बहुत अहमियत है, तो क्या था, क्या था जिसकी वजह से आपकी, मतलब मुझे लगता है अगर आप चार लोगों की जिंदगी में नाम लेंगी तो उनका नाम जरूर आएगा, you know? नहीं, definitely. देखिए, जब आप एक तो उनके बारे में बात करती हूँ, आई गेट ऑल टीयरी, लेकिन आई थिंक मेरी, इफ आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर, इट्स डेफिनेटली बिकॉज ऑफ हिम, यू नो, दैट्स वन रीजन, बिकॉज ना मैं स्कूल में अच्छी थी, ना मैं पढ़ाई में, मुझे इतना शौक था, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या ज़िंदगी में करना है। सिर्फ एक चीज़ मुझे पता थी कि मेरी लाल गाड़ी होगी और मैं और एंड आई एम गोइंग टू लिव विद माय पेरेंट्स फॉर एवर। दिस वर द टू थिंग्स इन माय माइंड। मैंने सोचा था शादी वादी कुछ नहीं, देयर वाज, यू नो, दैट वाज समथिंग जो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं शादी करके किसी और के घर में जाऊँगी। लाल गाड़ी मुझे मिल गई, हो गई लाल। मैं पूछने वाली थी, पहली गाड़ी लाल ही ली थी या फिर दूसरी थी? लाल थी, तो लाल गाड़ी मुझे मिल गई। और फिर जब शहजाद साहब ने ये दुनिया मेरे सामने खोली, तो दिस बिकेम माय सेकंड होम। धूप किनारे, वो कैसे आया आपके पास?
वो तो फिर देन वंस यू आर इन द फील्ड देन तो यू नो, फिर सायरा ने पहले मुझे अप्रोच किया था तपिश के लिए, नहीं देयर वाज अनदर प्ले शी डिड. अच्छा, इट वाजंट तपिश बट इट हैड अ लॉट ऑफ रोमांस इन इट. तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती. मैं रोमांस से भागती थी. तो वो मैंने उनको मना कर दिया. फिर जब धूप के नारे आया बिकॉज हसीना आपा का लिखा हुआ था तो मैंने हाँ कर दी. लेकिन ये बिल्कुल माइंड में नहीं था कि अब रोमांस मैं करूंगी और वो भी किसके साथ, राहत काज़मी के साथ. आई नो. सो व्हेन डिड यू फाइंड आउट कि राहत काज़मी आपके ऑपोजिट? बाद में पहले स्क्रिप्ट आया था फिर बाद में पता चला या दोनों साथ पता चला था? नहीं, आई थिंक आई न्यू दैट ही वाज देयर बट यू डिडंट नो कि वो हीरो है. हां, द अर्लियर स्क्रिप्ट्स आई कांट रिमेंबर. लेकिन कितनी मुश्किल से वो हुआ. इवन राहत साहब जो थे ना, वो कहते थे कहाँ से तुम लोग ये नए नए लोग ले आते हो, उर्दू तो आती नहीं है इन लोगों को, वो भी बड़े यू नो. सो हमारी जो फ्रिक्शन थी वो एक वे से एक्चुअल थी. आई वॉज लिटल इंटिमिडेटेड बाई हिम. ही वॉज लाइक कल की छोरी क्या करेगी, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो आई थिंक सायरा यूज दैट ऑल्सो. लेकिन सायरा बेचारी ने जो डंडे लेके और यू नो लुक इन टू हर आईज, मरीना कहाँ देख रही हो, आंखों में देख. ओह माय गॉड, यार आईस मत पूछे. अगर सायरा कभी यहाँ बैठेंगी ना तो वो आपको बताएंगे डंडे. इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था. लेकिन मतलब इतना ओवरवेलमिंग होगा ना राहत काज़मी के सामने खड़े होके. एब्सोल्युटली. लेकिन अगेन जैसे यू नो कुछ भी, दैट्स माय हस्बैंड सॉरी. सो ही यूज्ड टू कम बिकॉज़ आई वाज गोइंग आउट विद हिम एट दैट टाइम. ही यूज्ड टू कम टू द सेट. सो उनसे भी एक वैसे हमारी दोस्ती थोड़ा काम डाउन कर देते. मरीना इट्स ओके, यू कैन डू इट. इमेजिन मैं खड़ा हुआ हूं. इवन राहत बिकेम मोर कंफर्टेबल, आई बिकेम अ लिटिल मोर कंफर्टेबल, देन इट वाज यू नो. बट इट वाज जस्ट, अभी भी रोमांस मुझसे बहुत मुश्किल से होता है. बट आपने किया जैक्सन हाइट. रोमांस मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ. लेकिन अब शायद इट्स अब मेरे माइंड में आई थिंक अब एक्टिंग को मैंने एक्टिंग ही समझा है. पहले मैं दोनों चीजों को डिफ्रेंशिएट इतना नहीं कर सकती थी. You know, the time भी नया नया different था. Now over the years you know experienced a lot of things and different also. But धूप किनारे का सबसे मुश्किल सीन कौन सा लगता है आपको? रोमांस वाले सारे. क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगी थी जब आपने स्क्रिप्ट करा? What कुछ याद है आपको स्क्रिप्ट जब पढ़ा आपने तो? What struck you in that script other than of course? Good question. I think उस time पे आप ये नहीं कहते थे कि स्क्रिप्ट में ये अच्छा है या वो बुरा है. आपको एक तो काम मिल रहा है और हसीना आपा का स्क्रिप्ट तो हसीना आपा का स्क्रिप्ट. वाज इट हसीना आपा? यू सेड बस करना ही है. इट वाज बोथ. आई थिंक सायरा की भी एक यू नो ये फर्स्ट डायरेक्शन सायरा के साथ आपका फर्स्ट प्ले था. तो सायरा काज़मी की वैसे रेपुटेशन क्या थी इंडस्ट्री में कि बड़ा वो, तो आपको डर लग रहा था? नहीं, हमारे साथ शी वाज ओके. शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद द मेल मेंबर्स ऑफ आवर कास्ट. लेकिन सायरा नहीं, इतना डर नहीं बट स्ट्रिक्ट थी. मीनिंग वो तो आई थिंक पीटीवी ओवरऑल जो था ना वो एक डिसिप्लिन पे चलता था. So you had to follow that discipline. You were not the star who could walk in any time they wanted to and you know do it anything. Lekin Saira ke saath jo play karne mein mujhe bahut maza aaya tha was Nijat. Okay. Itna zabardast. Abhi maine recently dobara Nijat dekha aur maine unko phone kiya. Maine kaha Saira you don't know how much, because wo maine bilkul nahi. Why did you love it more than Dhoop Kinare? The whole play, the characters. I think Dhoop Kinare because like I said na ki wo मेरे लिए एक ऐसा पीरियड था जहाँ माय पेरेंट्स डिडंट नो आई वाज कोर्टिंग माय हस्बैंड. तो वो एंड ऑब्वियसली आई मस्ट हैव बीन क्वाइट इन लव बिकॉज वो व्हेन यू आर इन लव तो आपके जो है ना डिफरेंट दिमाग आपका कहीं और जा रहा होता है. तो मेरा ये होता था कि बस मैं यहाँ से फारिग हो जाऊँ और फिर आई स्पेंड लाइक हाफ एन आवर विद हिम एंड देन आई विल गो होम यू नो. सो वो काम के दरमियान एग्जैक्टली ये टेंशन थी. ये और फिर देन आई यूज दैट एज एन एक्सक्यूज आल्सो टू गो एंड सी कुचू आल्सो ना कि नहीं मम्मी कल मुझे रिहर्सल के लिए जाओ. कोई कुछ नहीं होता था यू नो कि आज उसने बुलाया आज उसने बुलाया. तो सो वो एक ऐसा पीरियड था जो बट आई डू रिमेंबर कि हमारी एक साथ में देयर वर दीज न्यू गर्ल दीज सिस्टर्स उनके साथ बड़ा मजा आता था. टू हैव साजिद से मेरी यू नो दोस्ती हुई थी ऑन दिस. ही वाज सच अ लव. सो आई डू रिमेंबर अ लॉट ऑफ स्टफ दैट वेंट ऑन. कैकिशा ऑफ कोर्स शी वाज विद मी इन दैट. सो यू नो देयर वाज दैट. बट समहाउ निजात जो था ना कैरेक्टर जरा डिफरेंट था.
और फिर निजात का पूरा जो एक आई मीन पूरा इट्स नॉट जस्ट मी इट वॉज द इंटायर प्ले यू नो इट वॉज जस्ट सो मूविंग एंड यू नो द कैरेक्टर्स वर सो रियल द स्टोरी वॉज सो रियल यू नो इट वॉज जस्ट आप देखें प्लीज कभी excellent. मुझे ये बताएं कोई वाकया याद है जो शेयर कर सकती हैं धूप के नारे या तन्हाइयां से कोई फनी चीज हुई हो या कोई यादगार वाकया फ्रॉम द सेट्स दैट यू कैन शेयर विद अस जो आपने पहले नहीं शेयर किया हो कहीं ये मुझे याद मेरे साथ इतना मसला है मेरे पास टाइम कम होता है और मुझे लगता है कि ये मतलब मेरे पास इतना खजाना मिल गया ये संदूक खुल गया जब आप मेरे साथ मुझे ये भी निकालना है ये भी निकालना है एंड आई एम लाइक मुझे भी ये चार सवाल और पूछने हैं और टाइम टिक 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 कर रहा है क्योंकि दो घंटे तो कोई भी नहीं सुनेगा ना सो मेरे साथ ये बड़ा चैलेंज होता है सो आई थिंक आई कांट रिमेम्बर एग्जैक्टली बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग लेकिन आई डू रिमेम्बर मेरा पहला सीन बहरोज के साथ तन्हाइयां में वो गमले तोड़ता है और मेरी हंसी नहीं रुकी थी आई जस्ट कुडंट स्टॉप लाफिंग डांट पीटी फिर करना पड़ा बिकॉज ऑब्वियसली यू नो बिकॉज ही जस्ट डिड दैट सीन सो वेल आई थिंक इन धूप के नारे द सीन वी रिमेंबर जिसका सबसे ज़्यादा राहत और मैंने मजाक उड़ाया था वो इज द खेत वाला सीन जहाँ हाथ पकड़ जाने से पहले हमने उसको पंजाबी प्रोडक्शन हमने उसको पत्तम ने कहा पीछे से घोड़े आ रहे हैं और अब ये होगा और अब ये होगा इतना हमने मजाक उड़ाया था बट लुक व्हाट दैट सीन डिड यू नो और हमने दो दफा किया वो सीन एक दफा हाथ पकड़े बगैर और एक दफा हाथ पकड़े बिकॉज़ शॉट दोनों दे दिया था फिर सायरा चोज नहीं सेंसर चोज सेंसर चोज